हेलो गाइस, टेकी अवे के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है वीवो S12 सीरीज के बारे में। गाइस, लगभग 4-5 महीने पहले वीवो ने S10 सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें कि दो मॉडल लॉन्च किए गए थे, वीवो S10 एंड S10 प्रो। अब वीवो S12 सीरीज को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च डेट अनाउंस हो चुके हैं, 22 दिसंबर को ये सीरीज चाइना में लॉन्च कर दिया जाएगा। और पहले की तरह इस बार भी यहाँ पे दो ही मॉडल देखने को मिलेंगे, वीवो S12 एंड S12 प्रो। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि वीवो S10 एंड S10 प्रो की तरह इन दोनों स्मार्टफोन में भी कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कहा जा रहा है स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, बस इसके डिज़ाइन में चेंज देखने को मिलेगा। और अभी तक जितने भी लीक सामने निकल के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग वीवो S12 सीरीज अपने प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज लेके आने वाली है। ऑफिशियल इसके फर्स्ट लुक रिवील हो चुके हैं, साथ ही वीवो से इस फोन के काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन भी हमारे सामने निकल के आए हैं। तो इस वीडियो में इस फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया जा सकता है, इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन के अभी तक जितने भी लीक्स सामने निकल के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पेक्स वाइज ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाले हैं, बस इसके डिज़ाइन में चेंज देखने को मिलेगा। तो शुरुआत सबसे पहले इसके डिज़ाइन एंड डिस्प्ले से करते हैं। तो अभी तक इन दोनों स्मार्टफोन के काफ़ी सारे रेंडर्स हमारे सामने निकल के आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देख सकते हैं। डिज़ाइन और लुक्स वाइज ये फ़ोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। वीवो S10 सीरीज से यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट चेंज कर दिया है, और अभी तक जितने लीक सामने निकल के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्मार्टफोन 3 या फिर 4 कलर में लॉन्च किए जाएंगे। इन दोनों फ़ोन के रियर का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, ग्लास बैक के साथ आता है, जिसके ऊपर मैट फिनिश देखने को मिलता है। टॉप लेफ्ट में कैमरा हाउसिंग दिया गया है, जिसमें कि ट्रिपल कैमरा सेटअप, 1 LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम मेटल का है और फ्रंट की तरफ ग्लास देखने को मिलता है। S10 सीरीज की तरह यहाँ पे भी नॉच डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा सा नॉच दिया गया है। वीवो S12 में फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है और वीवो S12 प्रो में इस बार कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। गाइज, लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है यहाँ पे 6.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का होगा। 10 बिट्स का डिस्प्ले होगा, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो में ही डिस्प्ले आएगा। 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट, DCI-P3 कलर गैमिट को भी सपोर्ट करेगा, साथ ही HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, इसके डिजाइन से आप थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। लेकिन अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। रीजन ये है कि 2-3 जनरेशन से वीवो के एस सीरीज के स्मार्टफोन में 90Hz का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, बट इस बार लगा था कि 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि प्रो वाले मॉडल में इस बार कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक एस सीरीज के लॉन्च हुए सभी स्मार्टफोन से इसे काफ़ी अलग बनाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में यही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है यहाँ पे 108+8+2 का सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर यहाँ पे 108 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक वाइड एंगल सेंसर होंगे, और ये सैमसंग का HM2 का सेंसर होगा, और ये इसका सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने में ये काफी हेल्पफुल रहता है। और दूसरा सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। तीसरा सेंसर यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के मिलेंगे, जो कि माइक्रो सेंसर होंगे। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 50+8 का सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे, जो कि सैमसंग का JN1 का सेंसर है। और सेकेंडरी सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। तो अच्छी चीज ये है कि इन दोनों फोन से अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी कैप्चर कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप इस फोन का काफी अच्छा रहने वाला है, कैमरा भी काफी अच्छा ही होगा। इसमें आपको अलग अलग तरह के काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 और 60 FPS दोनों पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब गाइस, अगर बात करते हैं इस फोन के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है यहाँ पे 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि स्लाइटली थोड़ी छोटी बैटरी है, कम से कम 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, NFC, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, मोनो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और सेंसर के बारे में बात करें तो सभी के सभी सेंसर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 8GB 128GB 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के 3 वेरियंट में लॉन्च किए जाएंगे।
आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉयड 11 के ऊपर आएगा, बट ओरिजिन ओएस ओशियन के ऊपर रन करेगा जो कि वीवो का न्यू यूआई है। चलिए गाइस जब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि मीडियाटेक का फ्लैगशिप चिपसेट है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। 3 GHz की क्लॉक स्पीड पर यह चिपसेट रन करता है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर यह चिपसेट बना है, तो एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। हीटिंग का इशू कम देखने को मिलेगा। अगर इसके गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे R77 GPU का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, तो फोन में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सभी तरह के गेमिंग आराम से हैंडल कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस यहाँ पे LPDDR4X रैम UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलेगा, तो रीड एंड राइट स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो गाइज कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ वीवो S12 सीरीज को चाइना में लॉन्च कर सकती है। अब गाइज चलिए बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो प्राइस से रिलेटेड भी जानकारी निकल के आई है, ऑफिशियल नहीं है, वीवो से लीक हुई है। कहा जा रहा है वीवो S12 की प्राइस चाइना में 30-35,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है और प्रो वाले मॉडल को 35-40,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। तो अगर ऐसे स्पेक्स के साथ ये दोनों स्मार्टफोन इसी प्राइस पे चाइना में लॉन्च होता है तो प्राइस मेरे ख्याल से डिसेंट रहेगी। और आपको पता है कि वीवो के एस सीरीज के स्मार्टफोन की प्राइस चाइना में भी ओवर ही रखी जाती है, और अगर इस प्राइस को कंपेयर करते हो इसके प्रीवियस जनरेशन से तो उसके हिसाब से मुझे लगता है प्राइस काफी अच्छी। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये स्मार्टफोन इसी प्राइस पे चाइना में लॉन्च होता है या फिर नहीं। अब लास्ट में गाइस चलिए बात करते हैं कि क्या इस सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे या फिर नहीं। तो गाइस काफी टाइम पहले वीवो के एस सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किए जाते थे, बट अभी के टाइम पे 2-3 जनरेशन से वीवो एस सीरीज के स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही है। और वीवो S12 सीरीज के बारे में बात करें तो अभी तक इसके इंडिया लॉन्चिंग को लेकर ना ही तो कोई लीक्स ना ही कोई रूमर सामने निकल के आए हैं, तो पॉसिबली हो सकता है कि इस सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च ना किया जाए। अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इस सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे या फिर नहीं। पहले चाइना में लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद अगर कुछ अपडेट आते हैं तो फिर से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।